नमस्ते। कहानियाँ जो है हमारे जीवन को बहुत गहरे तल पे छूती हैं। जब हम कहानी को सुनते हैं तब हम उनकी दुनिया में चले जाते हैं, और जिस कैरेक्टर के बारे में हम सुन रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, हम वो जीना शुरू कर देते हैं, वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहानियाँ हमें बहुत छूती हैं। इसलिए कहानियों में वो ताकत है कि वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सके, कि वो आपको इंस्पायर कर सके, कि वो आपको एक नया रास्ता, एक नई दिशा दिखा सके। तो इस वीडियो में जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस आदमी की कहानी है जो कि ऊंचे पहाड़ों में रहता था। एक दिन उसके मित्र ने उसको एक भेंट भेजी, एक बक्सा उसको जो है अपने घर के बाहर मिला। उस बक्से को जब उसने खोला, उसमें से हरे भरे अंगूर निकले। तो ये आदमी बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि चलो आज अंगूर ही खाएंगे। अंगूर जो है बहुत ही संभाल के जो है पेटी में बंद करके रखे गए थे ताकि वो ख़राब ना हो। तो जब उस आदमी ने वो अंगूर खाने शुरू करे, उसमें जो उसको स्वाद आया, ऐसा स्वाद उसको जीवन में कभी भी नहीं आया था। ऐसा स्वर्ग जैसा अनुभव उसको जो है वो उन अंगूरों को खाने से हो रहा था। और जैसे से वो ये अंगूर खा रहा था, उसकी इच्छा यही हो रही थी, जहाँ ये अंगूर उगाए जाते हैं मैं अपना घर वहीं बनाऊँ। तो उसने अपने दोस्त को संपर्क करा। उसने अपने दोस्त को कहा कि अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारे पास आके रहना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं वहीं नौकरी करूँगा और वहीं रहूँगा। और ऑब्वियसली उसका मित्र जो था वो एक गर्मी वाली जगह पे रहता था, जहाँ पे बहुत सारे फल और फूल उगाए जाते हैं। खैर, उसके दोस्त ने जो है उसकी नौकरी का इंतज़ाम भी कर दिया और उसके रहने का इंतज़ाम भी कर दिया। तो उस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति, सारा कुछ जो है बेच बाच के जो है उसने सामान अपना बांधा और वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहां उसका बहुत अच्छे से उसका स्वागत हुआ। मित्र ने अपने घर का निमंत्रण दिया और वहाँ जो है एक युवा स्त्री, एक सुंदर सी स्त्री ने उसका स्वागत किया और उसके लिए जो है हरे भरे अंगूर जो है उसको पेश किए। अंगूरों को देख के वो पागल हो गया। अंगूरों के लिए तो वो आया था, अंगूरों के लिए तो वो पागल था। तो जैसे ही अंगूर सामने आए, उसने जो है खाने शुरू कर दिए और फिर उसको ध्यान आया, अरे मैं धन्यवाद तो दूँ, तो खाते खाते वो जो है धन्यवाद देने लगा। वो स्त्री जो है उसको देख के हैरान हो रही थी। वो सोच रही थी इतनी छोटी सी भेंट के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा है, इतना उत्तेजित हो रहा है। तो उस स्त्री ने कहा कि आपको अंगूर इतने पसंद है तो मैं रोज़ आपके लिए जो है आपके लिए अंगूर ले आऊँगी, क्योंकि मेरा खुद का बाग है। तो वो आदमी तो और भी खुश हो गया। उसने कहा आपकी बहुत कृपा होगी कि अगर आप मुझे जो है अंगूर भेंट कर सके। अगले ही दिन वो लड़की जो है सुबह सुबह जो है एक अंगूर की बड़ी टोकरी लेके उसके घर पहुंच गई। और अभी वो सो ही रहा था, अभी तो रात के अंगूर थे, वो भी हजम नहीं हुए थे। लेकिन उसने दरवाज़ा खोला और फिर से जो है उसकी आंखों में वो चमक आ गई उन अंगूरों को देख के। तो उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया उस स्त्री का और मन ही मन सोचने लगा, वाह मज़ा आ गया इतने सारे अंगूर। उस लड़की के जाने के बाद उसने जो है एक दो अंगूर खाए, लेकिन अभी पुराने अंगूर ही जो है उसके पेट में बैठे हुए थे, जिसके कारण जो है नए अंगूरों का स्वाद नहीं आ रहा था। लेकिन करीबन 1.5-2 घंटे बाद जो है दोबारा से जो है वो उन अंगूरों को खाने के लिए तैयार हो गया और उसने फिर से जो है जम के जो है वो अंगूर खा लिए। सारा दिन जो है वो हर थोड़ी देर बाद जो है वो अंगूर जो है वो खाने लगा। अगली सुबह फिर से वही हुआ। वो स्त्री जो है दोबारा से वो टोकरी जो है अंगूरों के लेके उसके लिए आ गई, लेकिन अभी वो सो ही रहा था। लेकिन जब उसने उस लड़की की आवाज़ सुनी तो वो जो है थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ, लेकिन उसने अपनी डिस्टर्बेंस शो नहीं करी। उसने अपनी नींद और नाराज़गी जो है दोनों छुपा दी और उस लड़की को जो है हंसते हुए जो है उसने वेलकम किया। लेकिन इस बार जो जो चेहरे में जो मुस्कान थी वो कम थी, वो मुस्कान जो थी थोड़ी ज़बरदस्ती वाली थी। खैर, उसने उस स्त्री का धन्यवाद दिया और वो अंगूर जो हैं उसने अपने लिए रख लिए। अगले दिन फिर जो है वो लड़की अंगूर की टोकरी जो है लेकर उसके लिए आ गई और अब उस आदमी को लगने लगा कि अंगूर कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं और वो ये भी सोचने लगा कि अभी उसको 2-3 दिन ही हुए हैं ये अंगूर खाते हुए। इसलिए उन अंगूरों को लेते हुए उसने ज़्यादा जो है कुछ उस लड़की को बोला नहीं। उन अंगूरों को देख के वो इतना जो है एक्साइटेड नहीं हुआ इस बार और बड़ी मुश्किल से जो है अपने चेहरे में एक मुस्कान लाया और उस लड़की को बोला कि अंगूर तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं,
लेकिन खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवी सुबह फिर से वो लड़की जो है वो अंगूर की टोकरी लेके उसके लिए पहुंच गई, और इस बार जो है उसके चेहरे में बिल्कुल भी मुस्कान नहीं आई। उल्टा जब उसने अंगूर देखे तो उसके मुंह से निकला, ओह फिर से अंगूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मुझे अंगूर नहीं चाहिए। इस बार उसने ये भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि कितने अंगूर जो हैं बचे हुए हैं, कितनी कढ़ाइयाँ, कितने डब्बे, कितना कुछ जो हैं, कितने कंटेनर्स उसके जो हैं अंगूरों से भरे हुए हैं। छठे दिन दोबारा से वो औरत जो है बहुत सारे अंगूर डबल क्वांटिटी के जो है उसके लिए लेकर आ गई, क्योंकि उसको लगा कि इस आदमी को ये ना लगे कि हमारी दरिया दिल्ली में कोई कमी है। पर जैसे ही उस लड़की ने दरवाज़ा खटखटाया, उस आदमी ने धड़ाम से वो दरवाज़ा खोला और उसको वो सुंदर लड़की जो है चुड़ैल की जैसी लगी। सच में वो एक ऐसे चुड़ैल की तरह दिखने लग गई थी जो हर रात एक बुरे सपने की तरह तरबूज जैसे बड़े बड़े अंगूर लेकर उसका पीछा करती थी। इस बार वो चिल्ला उठा, नहीं नहीं और अंगूर नहीं, भगवान के लिए और नहीं, मैं जहाँ भी देखता हूँ अंगूर ही अंगूर दिखते हैं, और नहीं चाहिए, बस बहुत हुआ। अंगूर लाने वाली लड़की इस तरह का व्यवहार देख के उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उल्टा वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आपका अंगूरों का शौक उतर गया, इसलिए हर चीज़ की एक अति है, अच्छी से अच्छी चीज़, टेस्टी से टेस्टी चीज़, अच्छे से अच्छा डिज़ायर आपको जैसे ही उसकी क्वांटिटी में मिल जाता है, एक बड़ी क्वांटिटी में मिल जाता है, वो जहर साबित हो जाता है, एक रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। वही इस आदमी के साथ हुआ। इस कहानी में उस बाग की मालकिन ने अपना पूरा भंडार जो अंगूरों का जो है इस आदमी के आगे खोल के रख दिया। ये और कोई नहीं, हमारी माँ पृथ्वी, हमारी मदर अर्थ ही तो है जो हमारे को सब कुछ वो दे देती है जो हमें चाहिए, ये जानते हुए कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो जो है हमारी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है। इसलिए इस कहानी का मैसेज जो आपके लिए है वो ये कि कोई भी चीज़ के साथ जो है ज़्यादा लिप्त ना होइए, उसके साथ ज़्यादा अटैच मत होइए, चाहे वो खाना पीना हो, आराम हो, काम हो, किसी भी चीज़ की कोई भी एक लिमिट के बाद जो है वो चीज़ जो है जहर हो जाती है। इसलिए जो गुरु हैं वो हमें जो है मिडल पाथ सिखाते हैं कि एक्सट्रीम्स में नहीं, मध्य में, ना कम ना ज़्यादा, एक संतुलन। तो इस वीडियो का यही अंत करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।